हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो यहाँ पे देखिए, बेटू हमारी खिला रही है अपनी दीदी को प्यार से मिठाई, कुछ भी खिलाती है। दोनों में प्यार बहुत है और दोनों एक जैसी दिखती भी हैं। और इधर गाना चल रहा था, इस म्यूज़िक, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। और दोनों लोग डांस भी कर रही थी, तो यहाँ पे दीदी उनको लड्डू मतलब चावल का ही घी नमक डाल के लड्डू की तरह बना के खिला रही थी। और उधर वो भी खेल रही है। यहाँ पे दीदी देख रही हैं कि कितना ये नाटक करती है खाने के मामले में, मेरे को वही बोल रही थी। यहाँ पे परी भी है, खेल रही है अपना। तो परी गई थी कोचिंग से आई, फिर उसके बाद अपना फ़ोन लेके खेल रही है। और बेटू हमारे रिमोट के साथ खेल रही है, कह रही पापा बतिया रही है अपना। और यहाँ पे देखिए कितना नाटक करती है, अभी ये खिलाएंगी ना तो थूक देती है। यही होता है, बच्चे के पीछे ना बहुत भागना पड़ता है। तो वही बोल रही थी दीदी कि यार बहुत परेशान करती है खाने पीने के मामले में। मैंने बोला अभी कहाँ भाई, अभी आप देखती जाओ धीरे धीरे। उसके बाद खाई तो नहीं, लेकिन मैंने फिर दूध पिलाया ही था पहले से ही। तो यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे हैं, परी भी आ गई थी अपना कोचिंग से आई। दोनों लोग छुपा-छुपान खेल रही हैं, देखिए बेटू भी हमारी खेल रही है यहाँ पे। और गाइस, शाम का टाइम हो गया है, तो हम चलते हैं शाम के टाइम पे, आपको कुछ अलग दिखाते हैं, कुछ न्यू दिखाते हैं। वैसे यहाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं, खेलने के बाद हम जाएंगे। जीजा जी यहाँ बता रहे थे कि प्रदर्शनी लगी, अभी तो जीजा ऑफिस गए, ऑफिस से आते हैं तो हम लोग जाएंगे मार्केट। वहाँ पे दीदी बता रही थी प्रदर्शनी लगाई, जहाँ से कहाँ से लोग आते हैं। बहुत पहले हम शादी से पहले हमारे भदोही में आया था तो हम देखे थे, फिर उसके बाद अब जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों लोग खेल रही थी, तो हमने कहा चलो वीडियो में दिखाई देते हैं दोनों, क्या तीनों लोग खेल रही हैं, तो हमने सोचा वीडियो में शूट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम आ गए हैं प्रदर्शनी में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और जीजा जी बबल दिलाए बाबू को, उसको फुलाना सिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे फूको तब निकलेगा। और ये यहाँ पे खेल भी रही है, बबल मांग रही थी। यहाँ पे भी गाइस म्यूजिक चल रहा था, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। अभी पता है यहाँ पे अभी सब लग ही रहा है, अभी आया ही है, मुझे लग रहा है कि ये आज ही आया है और दुकान लगना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे 10 का 20 का 50 का 100 का सब सेल लगा हुआ था, बहुत कुछ था यहाँ पे, सेल वाला भी था, बिना सेल वाला भी था। और बेटी हमारी अपने मौसा के साथ खेल रही है, सबसे ज़्यादा ये इन्हीं के पास रहती है। और देखो कैसे फुला रही है, फूक रही है, लेकिन निकल ही नहीं रहा है बबल। कुछ देर हम भी देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग, काफ़ी रात हो गया था, रात मतलब 9 बज गया था। गांव में 9 बजना बहुत बड़ी बात होती है, जैसे 9 बजे ना गांव में खाना पीना भी हो जाता है। दीदी यहाँ अपना सामान वगैरह देख रही हैं, अब बेटू भी हमारी देख रही है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं घर, घर पहुँचने के बाद मिलते हैं। तो गाइस, खाना पीना खाने के बाद यहाँ पे हम लोग गए थे, कुछ सामान लिए, शॉपिंग किए, छोटा मोटा ज़्यादा नहीं क्योंकि सब कुछ था, लेकिन फिर भी जाने के नाम पे ले लिया। बाबू यहाँ देखो हमारी आइसक्रीम खा रही है, खाना पीना हो गया तो आइसक्रीम, ये वाला पुलाव भी, आइसक्रीम पाना, कुकी, बबल आइसक्रीम खा रही है। यहाँ पे देखो परी भी खा रही है, परी अच्छा लग रहा है, परी हमको भी खिला रही है। बाबू कैसे हैं, कौन दिलाए हैं, थैंक यू बोलो मौसा को, थैंक यू बोलो, थैंक कह रही है, थैंक। कपड़ा में सब लग रहा था, अब देगी भी नहीं, देखो सब खा रही है, गिरा रही है। हमको खिलाओ, मौसी को खिला दो, बाबू नहीं खिलाएगी, हमको खिलाओ, खिला दो मौसी को, खिला दो, खिलाएगी ही नहीं। और इधर हम बैठे हैं, हम भी बाबू में से थोड़ा थोड़ा मतलब लहा लहा के खा रहे हैं, और वो दही नहीं रही है, और हमको पता है वो पूरा खाएगी नहीं, नहीं हम खा लेंगे इसी में, जानते हो पूरा नहीं खाएगी, ये नुकसान कर देगी ना, इसीलिए हम खा रहे हैं इसके में। हमको नहीं पता था ये खाती है, नहीं तो अलग से लेंगे। और फुग्गी को देखो, बबल फुला रही है, बबल कह दो फुग्गी, बच्चे लोग खाते नहीं है, नुकसान। हाँ परी कैसा है, हमारा ना परी सो रही थी, देखिए नींद में थी तब, उसके बाद उठाए हैं, लेकिन सोई नहीं थी, बस नींद में थी ना परी। हाँ नींद लगा था, लग गया। अभी अभी कपड़ा चेंज करते हैं, अभी ऐसे नहीं सुलाएंगे उसको, कपड़ा चेंज करेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं, खा पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, अभी मिलेंगे कुछ देर बाद, नहीं तो सीधा सुबह मिलते हैं। हाँ खा रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, घड़ी के सुबह की घड़ी में बज रहे हैं 10, और ये दीदी का कमरा है,
यहाँ पे दीदी रहती भी नहीं, ज़्यादातर नीचे ही रहती हैं क्योंकि किचन वगैरह नीचे ही है, और उनके बगल में जेठान है, मतलब घर में एक ही है, बस खाना अलग अलग बनता है, बाकी सब रहता है एक ही में है। तो हम भी आ गए छत पे, थोड़ा सा बारिश का मौसम बना है, हम सोचे चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं छत पे भी। और लाइट यहाँ पे कम लग रहा है क्योंकि रूम पूरा बंद है ना, इसलिए अंधेरा लग रहा है। बारिश का मौसम है, सोच रहे खोल दे, खोल के देखते हैं। यहाँ पे झूला लगा है बच्चों का। गाइस मैंने बोला कि बारिश का मौसम बना है, यहाँ पे सच में देखो बारिश होने लगी है। ये देखो कपड़े यहाँ पे डाले हुए हैं छत पे, कोई नहीं। और मैं आज, पता है आज मैं घर जाने वाली हूँ, घर मतलब अपने घर पे। आप लोग बोले थे बहन के घर पे कौन जाता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप बहन के घर पे नहीं जा सकते हो, और बहुत सारे सवालों का जवाब देना है मुझे, लेकिन इस वाले ब्लॉग में नहीं, दूसरे वाले ब्लॉग में दूंगी। हाँ कपड़ा उतार लेते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, क्योंकि भीग जाएगा कपड़ा, बारिश तो स्टार्ट हो गया है। दीदी भी आ गई, कपड़ा उतार दें, वो भी आ गई है। हाँ बारिश स्टार्ट हो गया है, हम तो खोले हैं बाल अपना, क्या करें, अभी अभी झाड़ेंगे बाल। हटा दे, किसमें हटाए, किसमें रखेंगे, अरे मम्मी इसमें रखेंगे, खटिया पे, ये देखो बारिश स्टार्ट हो गया, ये भी आ गई दौड़ के। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस हम छत पर से कपड़ा लेकर आ गए, अरे मतलब दीदी लेकर आई, हम नहीं आए, हम लेकर आ रहे थे, लेकिन तब तक बाबू रोने लगी, तो हम दौड़ के नीचे चले आए, क्योंकि उसको हम नहीं दिखते हैं तो रोने लगती है, और बच्चों लोग के साथ ही खेल रही थी इसलिए हम छोड़ के चले गए थे, फिर उसके बाद रोने लगी थी। यहाँ पे देखिए तैयार हो गए, कहाँ जा रही हो, कोचिंग जा रही, चलो जाओ कोचिंग, ये जा रही कोचिंग। और दीदी अपना घर में ही कपड़ा फैला रही है, यही दिक्कत होता है जब बारिश हो जाता है ना, कपड़े कहाँ डालो कहाँ नहीं समझ, ऐसे जब हमारे यहाँ दिल्ली में बारिश होती है पूरा घर भर देते हैं कपड़े से, बेड के ऊपर ऊपर, दरवाजे पे, दीवार पे। और यहाँ पे फुग्गी पड़ रही है, क्या पड़ रही हो फुग्गी, क्या पड़ रही हो, ये क्या होता है, कौन सा खोलूँ, कह रही कौन सा खोलूँ, अच्छा कैसे पढूं, मैं कौन सा पढूं, अच्छा कौन सा पढूं। तो गाइस आज हम जाएंगे मायके और रुकेंगे नहीं, क्योंकि कल बीफे हो जाएगा, यानी बृहस्पतिवार हो जाएगा, और आज हमारी दीदी के जेठानी का बर्थडे भी है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि वो बुलाई भी है कि मौसी आपको नहीं जाना है, तो चलिए बर्थडे में शामिल होंगे, दिखाएंगे। इसीलिए पता है हम जा तो रहे हैं लेकिन हमें कुछ काम भी है, जा रहे हैं आ जाएंगे, बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, मम्मी से भी मिलना है, मम्मी से जाएंगे मिल के चले आएंगे, मिलने मम्मी से भी मिलने जा रहे हैं। और इनके पापा कॉल किए हैं कि हमारे भदोही, उनको भदोही कोई काम है, वो लग रहा है वो ख़त्म हो गया, लगा रही है मौसी बेटा। और यहाँ पे देखिए बेटी हमारी लगा रही है, मौसी लगा रही है, हेलो बोलो, हेलो, ये नहीं है मिर्चा है, ऐसे खिलाओ उसको, खिला दो, मच्छू हो जाने तो, कह रही हो हम खिला लेंगे उसको, नहीं उसको आता नहीं है खेलने, लेकिन खेलने के लिए मार करती है, हाँ वो सांप वाला गेम आता है ना, उसको खेलने नहीं आता लेकिन खेलने के लिए देखो कैसे मार करती है, देखो कैसे खेल रही है, और क्या देखो चाय बन रही है, क्या कहीं यार बहुत अच्छा महक रहा है बाहर ना, दुकान में चाय नहीं बनेगा, अच्छा हाँ इनके जो जेठ जी हैं वो चाय नाश्ता समोसा मिठाई से का दुकान है, तो ही महक रहा है, तभी बोलो चाय तो किचन में रखा नहीं है, महक बारिश तेज हो गया, नहीं चाय पियोगे, बनाए बारिश तेज हो गया, नहीं चाय नहीं पियेंगे, गर्मी लग रहा है। तो इनके पापा आ रहे हैं, मिलने जा रहे हैं मिल के, और कुछ काम है करके आ जाएंगे, क्योंकि तन्नू का बर्थडे है, इनकी जो निशानी उनकी बेटी का बर्थडे है, वो भी मुझे बोलिए कि मौसी आना है आपको, और उनके हस्बैंड बनारस से आ रहे हैं तो मिल लीजिएगा उनसे भी। तो भाई जब इतना कोई प्यार से बोल रहा है तो फिर रुका भी नहीं जाता है ना, तो इससे अच्छा हम आज जाएंगे मिल के चले आएंगे मम्मी से, कल बृहस्पतिवार हो जाएगा इसीलिए रुकेंगे नहीं, आज मिल के चले आएँगे, फिर परसों जाएँगे फ्राइडे को, फ्राइडे को जाएंगे तब रहेंगे, क्योंकि ना आज मिलने का मतलब आने का रीज़न है, क्योंकि सारा सामान देखो एक बैग इधर मेरा पड़ा हुआ है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जाएं चले आएँ, दो दो बैग लेके जा नहीं पाएंगे,
तो चलिए इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे और नए नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।